संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक तरफ जहां लगातार कार्रवाई हो रही है, मामले को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। घटना के 2 दिन बाद फिलहाल कल छठा और मुख्य आरोपी ललित झा ने भी सरेंडर कर दिया है। वहीं घटना के बाद से मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। 2 दिनों से दोनों सदनों में घटना को लेकर हंगामा जोरों शोरों से चल रहा है। विपक्षी दल सत्ता दल पर सुरक्षा में सेंध को लेकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कल राज्यसभा और लोकसभा के कुल 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अधीर रंजन ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी भी सदन के नेता ही हैं, उन्हें सदन में आकर मामले को लेकर बयान देना चाहिए था, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि मोदी है तो मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में अपना बयान दिया, लेकिन उससे पहले उन्हें एक बार हम लोगों से बात करनी चाहिए थी, हमें बुलाना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि संसद में इस तरह के हमले की बहुत पहले से ही जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को शीतकालीन सत्र के दौरान सतर्क रहना चाहिए था। साथ ही सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मामले में हो रही सियासत के सवाल पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछना और सवाल करना हमारा कर्तव्य है, और सरकार को इसको लेकर लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार सामूहिक रूप से आम लोगों की चिंता को भटकाने की कोशिश कर रही है।